बच्चों आज के सेगमेंट में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वट आर नॉन मैटर्स नॉन मैटर्स क्या होते हैं दिस इज अवर पार्ट टू इज इट क्लियर बच्चों तो हमारा टॉपिक है इस पार्ट में हमारा क्वेश्चन होगा बच्चों व्हाट आर नॉन मैटल्स भाई मैटर्स मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि भाई ये नॉन मैटल्स क्या होते हैं वाट आर नॉन मैटल्स गिव एग्जाम्पल आप इनका एग्जाम्पल्स लीजिए बहुत सारे तो बच्चों दोज एलिमेंट्स विच आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नीदर मेलेबल डक्टाइल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स दे आर ब्रिटल है ना ब्रेकअप इजीली ठीक है तो ऐसे एलिमेंट्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते न तो हम इनको पतला कर सकते हैं न तो हम इनको तार के रूप में खींच सकते हैं बल्कि हम इन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं बच्चों हम उसे क्या बोलेंगे हम उसे कहेंगे नॉन मेटल्स तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा दोज एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स विच आर विच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत ध्यान से बच्चों विच आर बैड कंडक्टर ऑफ ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नीदर मेलियबल न तो हम इनको चद्दर के रूप में बना सकते हैं न तो हम इनको तार के रूप में खींच सकते हैं विच आर नीदर मेलियबल नॉ डक्टाइल नीदर मेलेबल आर नीदर मेलेबल नॉन डक्टाइल आर कॉल्ड आर कॉल्ड नॉन मेटल्स इज इट क्लियर बच्चों तो जो बेड कंडक्टर होते हीट इलेक्ट्रिसिटी के और न तो मेलेबल होते न तो डक्टाइल होते हम उन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं इसके बच्चों दूसरी डेफिनेशन ये सकती है कि ऐसे एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स कैरी नेगेटिव चार्ज देखिए मेटल्स में हमने क्या बोला था पॉजिटिव चार्ज क्यों क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता था जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हम उसे क्या बोलते हैं दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं गेन करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा तो उनका नेचर क्या होगा उनका नेचर क्या होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर तो हम यहाँ पर इसकी बच्चों दूसरी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज जिन पर कौन सा चार्ज होता है विच कैरी दोज एलिमेंट्स विच कैरी विच कैरी नेगेटिव चार्ज जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है विच कैरी नेगेटिव चार्ज वहाँ था बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन गेनीं बाय गेनिंग बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन तो भाई ऐसा करी ही रहे क्यों रहें क्यों बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू तो गेट स्टेबल कन्फिगरेशन टू तो गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टू गेट गेड़ीक्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाने के लिए आर कॉल्ड नॉन मेटल्स उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों आर कॉल्ड आर कॉल्ड नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स को बच्चों हम नॉन मेटल्स कहते हैं फिर से समझिए दो एलिमेंट्स विच कैरी निगेटिव चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर कॉल्ड नॉन मेटल्स मैं एक एग्जाम्पल दे आपको बताऊं फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का बच्चों एटोमिक नंबर सेवन होता है कन्फिगरेशन कितना होगा टू फाइव अब मैंने क्या बताया था अगर किसी एलिमेंट के बाहर वाले शेल में पाँच या पाँच से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं चार या चार से कम इलेक्ट्रॉन होते तो वो लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है यहां पर नाइट्रोजन में पाँच या पाँच से ज़्यादा पाँच है तो यह आठ करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा थ्री इसलिए नाइट्रोजन पर तीन नेगेटिव चार्ज आएगा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रो एलिमेंट है और ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है चलिए एक और एग्जांपल देखें ऑक्सीजन एट है अगर हम ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन लिखें तो टू सिक्स वैलेंस सेल में छः इलेक्ट्रॉन है अब पाँच या पाँच से ज़्यादा ये दो गेन करेगा तो ऑक्सीजन पर दो निगेटिव चार्ज आएगा तो जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों जैसे कि कार्बन है सल्फर है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है इन सारों पे नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रो इन नेचर नॉन मेटल्स नॉट मेटल्स मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर वी कैन से नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो निगेटिव इन नेचर इनका जो नेचर होता है बच्चों नॉन मेटल्स का वो इलेक्ट्रो निगेटिव होता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन है सल्फर है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है फ्लोरिन है क्लोरिन है हीम है नियॉन है आर्गन है ये सारे के सारे बच्चों जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं आप इसका नाम ले सकते हैं दिस इज़ कार्बन सबको मालूम है सल्फ़र है ना सबको मालूम है सी मतलब सी मतलब कार्बन एस मतलब बोलिए सल्फ़र एन मतलब बोलिए नाइट्रोजन ओ मतलब बोलिए ओ मतलब बोलिए ऑक्सीजन एफ मतलब बोलिए फ्लोरीन एफ एल ओ यू आर आई एन फ्लोरीन एच ई मतलब बोलिए हीलियम एनी मतलब बोलिए नियॉन ए आर मतलब बोलिए आर्गन तो ये सारे के सारे बच्चों नॉन मेटल्स हैं तो अगर कोई भी आपसे नॉन मेटल्स के बारे में पूछता है तो सीधी सी बात सर नॉन मेटल्स पहली चीज़ बेड कंडक्टर होते किसके और इलेक्ट्रिसिटी के दूसरी चीज़ न तो ये मेलेबल होते न तो ये डक्टाइल होते हैं फिर ये होते क्या हैं बच्चों दे आर ब्रिटल दे आर ब्रिटल नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं तिवारी सर ब्रिटल का मतलब क्या होता है कैन ईजिली बी ब्रोकन कैन ईजीली बी ब्रोकन इंटू पीसेस ब्रोकन इंटू पीसेस अगर किसी चीज को आसानी से हम टुकड़ों में तोड़ सकें तो हम इसे ब्रिटल कहते हैं तो भाई ये मेलेबल नहीं होते डक्टाइल नहीं होते तो क्या होते ब्रिटल होते या अगर आप इसकी ये डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो है कैरी नेगेटिव चार्ज अब वो निगेटिव चार्ज क्यों करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करते हैं भाई टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो हम उसे नॉन मेटल्स कहते हैं एक तरह से हम ये देखें तो नॉन मेटल्स का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर होता है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं है ना इसको पॉज करिए बच्चों और इसे नोट करिए अगर हम दी नॉन मेटल्स इन अर्थक्रस्ट दी नॉन मेटल्स इन अर्थक्रस्ट अगर हम पृथ्वी की पट्टी पर देखें कि भाई कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं जो प्रजेंट है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो परसेंटेज होगा वो ऑक्सीजन का होगा अराउंड फिफ्टी परसेंट उसके बाद सिलीकॉन का होगा ट्वेंटी सिक्स परसेंट उसके बाद सल्फर और फॉस्फोरस आते हैं सल्फर और फॉस्फोरस आते हैं तो बच्चों सो मैनी एलिमेंट्स आर देयर लेकिन फिर भी अगर एबंडेंट की बात करें तो ऑक्सीजन है सिलिकॉन है सल्फर है ये जो एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं नाउ वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स ठीक है अगली जो हेडिंग है बच्चों लेट अस सी द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स फ़िज़िकल फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सेप्शन के साथ देखेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स इससे पहले मैंने आपको बताया था फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की बताइए पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है जो मेटल्स होते हैं दे आर नीदर मेलेबल नॉ डकटाइल जो मेटल्स होते हैं बच्चों मेटल्स आर न तो ये मेलेबल होते हैं नीदर मेलेबल न तो ये मेलेबल होते हैं नॉ डकटाइल नॉर डकटाइल तो फिर ये होते कैसे हैं दे आर बिटल इन नेचर बिटल मतलब आसानी से टूट जाते हैं दे आर दे आर बिटल इन नेचर दे आर बिटल इन नेचर मेटल का मतलब मैंने समझा दिया था इजिली ब्रोकन आसानी से ये टूट जाते हैं तो जो मेटल्स होते हैं बच्चों न तो मेलेबल होते हैं न तो डक्टाइल होते हैं आसानी से क्या होते हैं ये टूट जाते हैं इज इट क्लियर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फॉर एग्जाम्पल कार्बन है कार्बन ही आप ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोयला कार्बन दूसरा हम ये कह सकते हैं मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विथ एक्सेप्ट टू ग्रेफाइट है ना कार्बन जो है वो नॉन मेटल होता है जिससे ग्रेफाइड बनता है लेकिन वो होना तो चाहिए बैड कंडक्टर लेकिन वो गुड कंडक्टर होता है वो एक एक्सेप्शन है तो दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो मेटल्स होते हैं मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ वो बैड कंडक्टर होते हैं किसके होते हैं बैड कंडक्टर बोलो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ किसको छोड़कर कार्बन को छोड़कर किसको छोड़कर बच्चों विथ एक्सेप्ट टू कार्बन ठीक है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट किसको छोड़कर यहां मैं लिख सकता हूं एक्सेप्ट ग्रेफाइट एक्सेप्ट ग्रेफाइट या कार्बन लिख दो एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन को छोड़कर एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इन द फॉर्म ऑफ इन हिंदी फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है बच्चों दे आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है और जो हमारे ड्राई सेल होते हैं जो हम रेडियो में या जो हम अपने रिमोट के सेल में यूज़ करते हैं वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ठीक है अच्छा बताइए ये सॉफ्ट होते हैं और स्ट्रोंग नहीं होते है ना दे आर नीदर सॉफ्ट नॉर स्ट्रोंग तो हम ये ले सकते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट एंड स्ट्रोंग दे आर सॉफ्ट एंड एंड नॉट स्ट्रोंग नॉट स्ट्रोंग ये सॉफ्ट होते हैं और स्ट्रोंग भी नहीं होते है ना वो क्या था हार्ड थे और स्ट्रॉन्ग थे ये सॉफ्ट है और स्ट्रोंग भी नहीं है किसको छोड़ के एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड आपने सुना होगा डायमंड बहुत हार्ड होता है इतना हार्ड होता है कि उसका इस्तेमाल हम कांच को काटने में भी करते हैं एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड है ना ये एक्सेप्शन है कार्बन को छोड़कर जो किस फॉर्म में पाया जाता है जो डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है चौथा पॉइंट बच्चों ये लस्ट्रस भी नहीं होते चमक नहीं पैदा करते दे आर नॉट लस्ट्रस लस्ट्रस मैंने बताया था साइनी अपियरेंस तो मतलब डो नॉट गिव साइनी अपियरेंस किसको छोड़ के बच्चों एक्सेप्ट आयोडीन सिर्फ आयोडीन को छोड़कर क्योंकि जो आयोडीन होता है वो नॉन मेटल्स होता है और जो नॉन मेटल्स होता है ये लस्ट्रस अपियरेंस देता है तो एक्सेप्ट आयोडीन तो चौथा पॉइंट है बच्चों दे आर नॉट लस्ट्रस इज इट क्लियर इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे हैव लो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों और जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कम होता है दे हैव लो मेल्टिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ किसको छोड़कर एक्सेप्ट डायमंड एक्सेप्ट कार्बन किस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ डायमंड अगर बच्चों कार्बन हो और वो हीरे के फॉर्म में हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है वैसे नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या होता है बताइए कम होता है इनकी जो डेंसिटी है बच्चों वो भी कम होती है दे हैव लो डेंसिटी तो इनकी जो डेंसिटी है बच्चों दे हैव हैव लो डेंसिटीज़ इनकी जो डेंसिटीज़ है वो अलग अलग होती है और नेक्स्ट पॉइंट इनका कलर रेस्ट्रिक्शंस वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि इनका ज़्यादातर मेटल्स का कलर सिल्वरी होता है या ग्रे होता है बट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स ये अलग अलग कलर्स के होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ये अलग अलग कलर्स के होते हैं फॉर एग्जाम्पल सल्फ़र की बात करो तो सल्फर इज़ येलो इन कलर ये क्या होते हैं बच्चों अलग अलग कलर्स के होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज़ इलियर बच्चों चलिए और अगर हम इसके स्टेट की बात करें तो नॉन मेटल्स आर मे बी प्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों अगर देख लें तो दे आर दे मे बी दे मे बी सॉलिड ये सॉलिड भी हो सकते हैं दे मे बी लिक्विड और दे मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ये सॉलिड के फॉर्म फॉर्म में भी हो सकते हैं ये लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं यहाँ मैं लिख दूँ चाहो तो अगर आप नोट करो तो मैं यहाँ लिख दूँ सॉलिड के फॉर्म में कैसे अगर फॉस्फोरस है या सल्फर है तो ये सॉलिड के फॉर्म में हो जाएंगे अगर मान लीजिए कि ब्रोमीन है तो ये लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो दे मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस ठीक है तो अगर आप बात करें वहाँ पर मोस्टली क्या था कि जो सॉलिड्स थे दे आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स मेटल्स केवल एक ही मेटल था जो मैंने आपको लिखवाया था एक्सेप्शन था मरकरी विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट लेकिन ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं बच्चों वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये सॉलिड्स भी होते हैं लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं तो जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी बच्चों मैंने क्या बताया कि न तो ये मेलेबल होते हैं नीदर मेलेबल नॉडक्टाइल बल्कि कैसे होते हैं मिटल होते हैं इजीली हम तोड़ सकते हैं फॉर एग्जांपल कार्बन मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं हीटो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं किसको छोड़कर कार्बन को छोड़कर जो ग्रेफाइट के रूप में होता है दे आर सॉफ्ट होते हैं स्ट्रांग नहीं होते कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड ये चमकीले नहीं होते आयोडीन को छोड़कर जो लस्ट्रस होता है शानी अपेरेंस देता है अपवाद है एक्सेप्शन है इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कार्बन को छोड़कर जो डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है इनकी डेंसिटी कम होती है ये अलग अलग कलर्स के होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दे एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेजेस दैट इज सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस तो बच्चों आज मैंने आपको इस सेगमेंट में पढ़ाया कि व्हाट आर नॉन मेटल्स एंड वट आर देयर प्रॉपर्टीज बने रहिएगा अगले सेगमेंट के लिए ओके स्टूडेंट्स गुड डे टू ऑल बच्चों